हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लासिक 350 के सेल्फ के बारे में। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में सेल्फ का दिक्कत हो रही है और जैसे कि आप सेल्फ आ रहे हैं और इस तरह की आवाज़ आ रही है, तो जैसे कि आपने दोस्तों सुना आवाज़, ये आवाज़ जो आपने सुनी है इसका हमने वन वे चेंज कर दिया था, बावजूद इसके इसका जो सेल्फ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ था दोस्तों। और इस गाड़ी में दोस्तों एक अलग सी दिक्कत है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। अगर आपके सेल्फ का जो नॉइज़ है वो जा नहीं रही है और कुछ ज़्यादा ही इरीटेट कर रही है बार बार, अगर आपने सेल्फ का वन वे डाल दिया है बावजूद इसके भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है और जो सेल्फ का प्रॉब्लम है वो रेगुलर रह रहा है, तो आपको इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले मैं कवर निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ों को आपको देखना है। तो ये देखिए, आपको स्टार्टर को भी निकालना होगा, तो स्टार्टर को खोलने के लिए आपको वहाँ के सब स्क्रू वगैरह और वायर वगैरह निकालने होंगे। तो ये देखिए कवर निकल गया है और कुछ इस तरह से आपको कवर निकालना है। कवर निकलने के बाद में दोस्तों इस गरारी को निकालने के लिए देखिए ये जो है इस पिन को आपको निकालना है, और पिन को निकालने के बाद में देखिए जो आपका सेल्फ का गरारी है, जो सेल्फ की गरारी ये देख सकते हैं आप, ये टूटी हुई है दोस्तों। और टूटने की वजह से क्या हो रहा है, जो आपका ये जो गियर है प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं हो पा रहा है, तो ये गरारी तो टूटी है, साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं अंदर वाली गरारी ये ओके लग रही है। तो इस गरारी को हम चेंज करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं इस गरारी की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सेल्फ है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा होता है तो आपको इस चीज़ को देखना है। तो ये जो नुकसान है दोस्तों केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, ये साथ ही साथ देखिए आप मोटर की हालत देखेंगे, जो इसकी मोटर की हालत है वो भी बहुत ही खस्ता हो गई दोस्तों। आप देख सकते हैं जो इसका शाफ्ट है पूरी तरीके से घस गया है, तो ये देखिए शाफ्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ गया और ये शाफ्ट इंगेज नहीं हो पा रहा है आपके गियर के साथ में प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्फ है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इन्होंने एक बार पहले इसे चेंज किया था वन वे को, बट फिर भी देखिए इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ था। हमने इसका वन वे देखा तो बराबर था नहीं, वन वे में भी दिक्कत थी, और साथ ही साथ ये देखिए हमने मोटर भी अभी इसकी हम चेंज करेंगे और जो गियर है गियर भी हम इसका चेंज करेंगे। तो मोटर का जो प्राइस आप देखेंगे दोस्तों 2000 के आसपास में है, जो कि अभी बढ़कर कुछ 2100 रुपये के आसपास में हो गया है। और गियर की बात करें तो दोस्तों इसका जो गियर है 600 से 650 के अराउंड है। तो ये देखिए मोटर कुछ इस तरह से दिख रही है, और ये दोनों शाफ्ट में आपको मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये वेरॉक में अगर आप लेंगे तो दोस्तों कुछ सस्ते में आ जाएगा, बट मैंने इसमें जेन्युइन ही डाला है रॉयल इनफील्ड का। और ये देखिए ये दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों ये शाफ्ट में। तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं, बदल देते हैं और फिर आपको गाड़ी की तरफ लेके चलते हैं और हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, तो ये देखिए ये हमने मोटर इसकी रिप्लेस कर दी, साथ ही साथ जो इसका गियर था उसको भी हमने चेंज कर दिया है, जो कि अंदर जो गियर है वो भी हमने चेंज कर दिया है, और हमने बाकी चीज़ें फिट कर ली हैं दोस्तों। तो अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है या डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, खुश अंदर रहेगा अपनी फैमिली के ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस, एक नंबर हो गया, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।